हुआ ये है कि मैं सुबह सोया हूँ 7 बजे और मैं उठा हूँ 5 बजे, तो आप मेरी नींद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं 10 घंटे सोया हूँ, जो कि जब मैं सो के उठाऊँ तो मुझे समझ नहीं आया थोड़ी देर कि हुआ क्या है। ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज शाम और ये एक मैं न्यू वीडियो सीरीज काइंड ऑफ अ थिंग शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं व्लॉग्स बनाया करूँगा। ये पहली सिर्फ एक टेस्टिंग टाइप चीज़ है, तो देखते हैं कैसा जाता है। आज जो है एक मूवी देखने जाऊँगा मैं, और काफ़ी अरसे से मैं वेट कर रहा था उस मूवी का जिसका नाम है यलगार, और फिर हम उसको एक आपको एक रिव्यू भी देंगे इस मूवी का। अच्छा तो अभी 6 बज रहे हैं शाम के और आज ईद का तीसरा दिन है। हुआ ये है कि मैं सुबह सोया हूँ 7 बजे और मैं उठा हूँ 5 बजे, तो आप मेरी नींद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं 10 घंटे सोया हूँ, जो कि जब मैं सो के उठाऊँ तो मुझे समझ नहीं आया थोड़ी देर कि ये हुआ क्या है, कि मैं 10 घंटे किस तरह सो सकता हूँ, कि मतलब मैं 7 बजे सोया हूँ और फिर मैं 5 बजे सुबह के उठा, मतलब अभी शाम 5 बजे उठाऊँ तो मेरा दिमाग अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो और ईद का तीसरा दिन भी है, तो आधा जो है वो मुझे डिप्रेशन इस बात का हो चुका है कि मैंने ईद का जो है तीसरा दिन वो सो के गुजार दिया, और चलें कोई बात नहीं, देखते हैं, आधा दिन गुजर चुका है। अच्छी चीज़ ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, तो बिजली इतनी देर से जो है वो पड़ रही है, मगर मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही है ना वो ये है कि ये समझ नहीं आ रही है कि भाई मतलब बारिश भी नहीं हो रही, ये आप जैसा देख सकते हैं बारिश भी नहीं है और बादल जो है वो गरजे आ रहे हैं, ऊपर बादल ही देख सकते हैं। बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं कराची के आज, ये देख सकते हैं आप सबका सब, और होपफुली बारिश ना हो आज। ओह हल्की सी काम ख़राब होने का लग रहा है, काम ख़राब होने वाला है, टिकट मैं ले चुका हूँ मूवी की, और ये ना हो कि बारिश इतनी हो जाए कि एंड में हम जान सकें। और मैं जाऊँगा अंदर इससे पहले कि कोई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो अच्छा यलगार मूवी देखने जाएंगे, इसका रिव्यू बहुत अरसा लगा है इस मूवी को, 4 साल लगे मेरे ख्याल से, 4-5 साल बहुत अरसे से आ रही है, और अब तो बहुत टाइम मतलब गुजर चुका हुआ है इसको। मैं आप लोग बोल रहे होंगे कि ये घुमा क्यों रहा है, मैं असल में देखना चाह रहा हूँ लाइट कहाँ पे अच्छी आ रही है। अच्छा तो मूवी का रिव्यू देंगे आपको, मैं आपको आके ये भी बताऊँगा कि मूवी में क्या होना चाहिए था और क्या चीज़ बेहतर कर सकते थे, और यहाँ से मेरे जाने तक का सफ़र भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगा, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। जितना मुँह मेरा अभी सूजा है, मतलब इतनी मुझे परेशानी हो रही है इसको देख के कि ये एक दिन में इतनी मतलब इतनी स्वेलिंग कैसे होगी, मगर ज़ाहिर है जब आप 8-10 घंटे सो के उठते हैं तो यही हालात होते हैं। चश्मा पहन लिया है मैंने ताकि जो मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल्स अभी बन चुके हैं वो दिखे ना किसी को, खैर चश्मा वैसे भी पहनता हूँ, आई साइड मेरी काफ़ी वीक हो चुकी है। तो अभी हम रेडी होंगे और फिर 3 से 4 घंटे बाद जो है हम निकलेंगे मूवी के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम एक करेंगे जाने के लिए, जो रेडी हमने होना है मूवी देखने के लिए, तो वो सबसे पहले ये करेंगे, मैं करूँगा शेर, क्योंकि ये हमने ईद पर रखी हुई थी, एक हल्की सी हमने दाल रखी हुई थी, और अब मेरा मुझे लग रहा है कि इसको मुझे चेंज कर देना चाहिए। जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हालांकि जो मूवी है वो 11 बजे है, मगर बारिश इतनी हो रही है कि मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि यार ये कहीं टिकट ही लाया ना हो जाए, मगर अब हम जा रहे हैं और होपफुली जब जैसे ही मूवी ख़त्म होगी फिर मैं एक रिव्यू करूँगा इसके ऊपर, यलगार के ऊपर आके, और फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे मूवी कैसी है, होपफुली अच्छी होगी, होपफुली बार बार बोले आ रहा हूँ मैं। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त कराची में, मैं आपको अगर दिखाऊं थोड़ा सा तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त, और बारिश हो रही है, थोड़ी हल्की हो गई है, थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो कुछ ज़्यादा मसला हो ना अल्लाह करे, क्योंकि जब भी कभी बारिश हो जाती है तो पूरे कराची जो है वो खुलता जाता है और बुरे हालात हो जाते हैं। अभी तो कोई रश नहीं है, आप देखेंगे कल क्या होता है, तो फिर इंशाल्लाह मूवी के बाद मिलते हैं।
अच्छा, तो अभी आप एक, मेरे ख्याल से आपने कौमी तराने का भी एक क्लिप देखा होगा, तो ये जो अब हमने, जैसे मैं मूवी देखने गया वहाँ पे, उन्होंने सबको बोला कि आप ऐसे, वहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे कि आप सब खड़े हो जाएं क्योंकि अब कौमी तराना स्टार्ट होने वाला है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक, मतलब एक स्टार्टिंग हो गई मूवी की। तो अब वैसे इतना पेट्रियोटिज्म, हम लोग सब खड़े हो गए थे वहाँ पे सिनेमा में, और सब लोग के पाक मतलब ये तराना चल रहा था जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है। तो उसने, इसने ये काफ़ी अच्छा मूड सेट कर दिया। जब अच्छा मूवी की बात करते हैं, तो मूवी जैसे स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग सीक्वेंस जो था, पहली एक फाइट थी जिसमें उमर जसवाल था और एक और लीड एक्टर जो है, ये दो थे, इनका बड़ा ज़बरदस्त एक फाइट सीक्वेंस आया। मगर मुझे लगता है कि अगर पूरी मूवी की बात करें, अच्छा उमर जसवाल जो है उनको मुझे लगता है थोड़ा मिसयूज़ किया हुआ है इन्होंने फिल्म में, क्योंकि उसको बहुत थोड़ा ज़्यादा रोल दे सकते थे, मगर उसको जो है वो अंडर यूटिलाइज उसको सही तरह नहीं किया उमर जसवाल को। उसके ना रोल भी कोई इतना खास नहीं है, वो दो तीन मुश्किल से 20 सेकंड के लिए है वो मूवी के अंदर उमर जसवाल। और उसने काफ़ी मेहनत की थी जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी उसने अपनी बिल्डशीट बना ली थी इस चीज़ के लिए, मगर वो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई यूज़ आया इस फिल्म के अंदर, कि उसने और इससे कोई उसको फ़ायदा हुआ। तो आई थिंक ही वॉज वो, अगर वो उसके रोल को ना भी रखते, अगर उसको ना भी रखते मूवी में, तो आई डोंट थिंक इट वुड हैव मेड अ, यू नो, बिग डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। और खैर कोई बात नहीं। अच्छा मूवी जो है इसमें, इसमें वॉर, एक हमने पहले हमारी एक मूवी आई थी जो कि इसी इसी मतलब इसी करीब करीब ही है, मगर वो वॉर मैं उसको ज़्यादा अच्छा रेट करता हूँ इस मूवी से। तो एक चीज़ उसमें मिसिंग थी, वो थी कॉमेडी, और उसमें कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है वो लोग बहुत एंटरटेन हो रहे थे। तो जब वॉर मूवी मुझे याद है हम लोग देख रहे थे, तो थोड़ा बहुत अच्छी मूवी थी, मगर थोड़ा ड्राई हो गया था, मतलब कॉन्स्टेंटली आप, मतलब वो बहुत अच्छी मूवी बनी हुई थी, मगर उसमें एक कॉमेडी का एलिमेंट इतना नहीं था जितना इसमें था। उसकी वजह से जो है ये मूवी, अगर फर्स्ट करें उसकी वजह से जो है ना, ये डिफरेंस आ गया है मूवी के अंदर, कि मूवी आप उसको कदरे बेहतर हो गई है कॉमेडी की वजह से जो उसमें है। शान, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, तीनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, खासतौर पर शान तो ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड एक्टर, और एंड देन देयर अदनान सिद्दीकी, दोनों की एक्टिंग अच्छी है। और हुमायूं सईद इज़ ऑल राइट, इतना कन्विंसिंग आई एम नॉट श्योर इफ ही उतना लग रहा है वो अपने रोल के अंदर, बट ही मतलब वो हुमायूं सईद को थोड़ा देख के भी लगता है कि उनकी शख्सियत शायद मतलब थोड़ी शैतानी और इस तरह की उनकी शक्ल पर एक चीज़ आती है। तो ये चीज़ थी। तो एक चीज, कुछ चीज़ें हैं फिल्म में जो मुझे ज़रा भी, जो मतलब बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं इनकी वजह से, इसमें एक तो ये चीज़ थी कि जब मूवी चल रही थी तो बार बार जब गाने आते थे तो जो वोकल्स होते थे वो उसमें होते ही नहीं थे, तो और सिर्फ म्यूज़िक आ रहा होता था, तो जिसकी वजह से जो है वो पूरा मतलब एक एक आपका मतलब जो आपका एक मोमेंटम बना होता है मूवी के अंदर, या आप किसी सीन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब खत्म हो जाता है इसकी वजह से। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने एक डायरेक्शन के हिसाब से देखी, कि गानों के स्टार्ट होने का, ख़त्म होने का कोई सर पैर मुझे समझ नहीं आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि शान का एक जगह गाना स्टार्ट होता है जिसका कोई सर पैर नहीं है कि वो वहाँ पे क्यों स्टार्ट हुआ है, और इसी तरह एक दो जगह और भी ऐसे हुआ है। एडिटिंग, आई थिंक पाकिस्तानी मूवीज़ में ये मसला है एडिटिंग का, कि एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और ये एक थोड़ा मसला था। और जो मैंने जो एक एक चीज़ जो मैंने फिल्म में नोटिस की है, जितने पुराने एक्टर हैं उनको बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और जितने नए एक्टर्स हैं उनको मतलब कुछ कुछ जो हैं, जैसे वो एक लड़की है जो उसमें अदनान सिद्दीकी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। शान के अलावा जो एक और लड़का इस मूवी में लीड है, जो कि वन ऑफ द लीड्स है, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है और अच्छा है। मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता था मूवी में, मूवी देखने से पहले, बट इज डन अ गुड रोल। और इसी तरह वही एक और लड़का है जिसने इसमें थोड़ा कॉमेडिक एलिमेंट डाला है, उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो ये दो अच्छी चीज़, मतलब ये नए दो एक्टर्स ये अच्छे लगे मुझे इस मूवी के अंदर। कैरेक्टर्स जो हैं उनको मैं एक एक, एक चीज़ होती है कैरेक्टर बिल्डिंग, आपने कैरेक्टर की कोई बिल्ड उनको करना होता है, उसकी एक बैक स्टोरी होती है, जो कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स की तो है तो कुछ और बाकी कैरेक्टर्स की है ही नहीं, ठीक है। तो और आपस में देखें जो बॉन्ड दिखाना होता है ना, फर्स्ट करें अगर कोई मरता है मूवी के अंदर, तो आपने बॉन्ड दिखाना होता है दो बंदों के बीच में, या दो इंडिविजुअल के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाना होता है, वो नहीं मुझे लगा कि इतना स्ट्रांगली इन्होंने उसको मतलब डिवेलप किया है मूवी के अंदर। ओवरऑल मैं बोलूँगा मूवी इट वॉज गुड, ठीक है ना, मैं मतलब इट वॉज ऑल राइट, मतलब मैं मुझे देख के अब मुझे अच्छा लगा, मतलब थोड़ी एक चीज़ ये थी कि मूवी 2 घंटे 50 मिनट के होने के बजाय दो घंटा हो सकती थी, 2 घंटा 10-20 मिनट हो सकती थी। मुझे आवाज़ मुझे मज़ा आया मूवी देखने के अंदर। फर्स्ट हाफ इज़ रियली गुड, पहला हाफ बहुत अच्छा है मूवी का, और जो सेकंड हाफ है वो भी ठीक है, मतलब। और मुझे बस ये लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर सकते थे, इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे ये लोग, बट इट्स अ गुड मूवी, मतलब मुझे एंटरटेन हुआ। एक ट्रिब्यूट की पेश की इन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर्स को, 3-4 सीन है इस मूवी में जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक अदनान सिद्दीकी का सीन है, एक एंडिंग सीन है जो आखिर में एक सीन आता है, ये कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर मैं आप मुझसे रेटिंग पूछें, तो मैं इसको आउट ऑफ 5 इसको 3 स्टार दूंगा, और यहाँ अगर मैं थोड़ा ज़्यादा जेनरस होकर बोलूँ 3.5 दूंगा। और मैं कतई ये नहीं कह रहा,
मैं कतई ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म बुरी है, आप जाएं एक दफ़ा देखें और उसको एंजॉय करें। वार जब आई थी मैंने भी एक दफ़ा ही देखी हुई है, मतलब बहुत अच्छी थी, मगर मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा देखी हुई आज तक अपनी जिंदगी में जो मैंने सिनेमा में आके देखी थी। जब मैं मूवी देखने नहीं भी गया था, वॉजंट रियली दैट इम्प्रेस्ड बाय द ट्रेलर्स टू बी ऑनेस्ट। मैंने मुझे इतना मैंने लगा यार पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा ट्रेलर्स में, वो बात नहीं है, मगर उससे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे मूवी बेहतर थी। तो ये था मेरा मूवी रिव्यू, और आपने एक व्लॉग भी मैंने थोड़ा सा बनाया, वो भी आपने देखा। तो इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं मैं रिएक्शन करूँ या ट्रेलर मूवी रिव्यूज़ करूँ, तो आप कमेंट करें नीचे, और मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ फैक्टर फॉर मी। मुझे भी होगा कि यार चलो लोग देख रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं ज़्यादा जो कि वीडियो लॉग्स करते हैं या ट्रेलर रिव्यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आई वॉन्ट टू बी यू नो वन ऑफ द फर्स्ट कि जो जिन्होंने स्टार्ट किया। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो और अब आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे रिव्यू को आप बता सकते हैं मैंने रिव्यू कैसा दिया है, मेरे व्लॉग पे आप कमेंट करें, मुझे बताएं उसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।